देश भर में पदयात्राओं को दौर चल रहा है, कहीं राजनीतिक तो कहीं धार्मिक। ऐसी ही एक पदयात्रा डूंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने अपने गृह ग्राम घुमका से डूंगरगढ़ तक निकाली। आपको बता दें कि 71 किलोमीटर की पदयात्रा 27 सितंबर को प्रारंभ हुई और गुरुवार को डूंगरगढ़ मां बम्लेश्वरी मंदिर में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में माता की चुनरी पदयात्रा निकाली। नवरात्र पर्व के प्रथम दिन से शुरू हुई यह यात्रा विधानसभा के ग्राम घुमका के माता मंदिर से शुरू होकर कोलेंद्रा बेलगांव होते हुए डूंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर पहुंची, जहां विधायक भुवनेश्वर बघेल ने मां बम्लेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की, माता को चुनरी भेंट की, इसके साथ ही क्षेत्र की खुशहाली की कामना कर माता से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता और ग्रामीण भी विधायक के साथ पदयात्रा में शामिल रहे। माता की चुनरी यात्रा डूंगरगढ़ विधानसभा के घुमका से लेके आज तीसरे दिन हम लोग डूंगरगढ़ नीचे मंदिर माँ बम्लेश्वरी के दर्शन करने यहाँ पहुँचे हैं। मैं सभी क्षेत्र की जनता, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सुखर जीवन, संपन्न जीवन, समृद्ध जीवन के लिए मैं यहाँ पर माता की चुनरी लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि माँ बम्लेश्वरी का आशीर्वाद सबके ऊपर, पूरे प्रदेशवासियों के ऊपर, क्षेत्रवासियों के ऊपर, एक एक घर में माता का आशीर्वाद बरसे।